तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर WWE के समर स्लैम को एक हफ्ता भी यहाँ पर नहीं रह गया, इसी संडे को हमें देखने को मिलेगा। और WWE के अंदर हमने कितने सारे चेंजेस अभी रिसेंट के टाइम में देख लिए हैं, जहाँ पर विंस मैकमैन जा चुके हैं, ट्रिपल एच के पास पूरा कंट्रोल आ चुका है। और उसके बाद भाई अब आज ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, मतलब इससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको सुन के मैं खुश हूँ या फिर मतलब बुरा फील करूँ। क्योंकि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, यहाँ पर जो सेथ रॉलिंग्स और रिडल का जो मैच होने वाला था समर स्लैम के अंदर, वो मैच कैंसिल हो चुका है। अब इसके पीछे WWE ने रीज़न ये बताया कि रिडल को इंजरी हो गई, क्योंकि इस हफ्ते की रॉ में हमने देखा रॉलिंस ने आके रिडल के ऊपर जो अटैक किया था। तो WWE यहाँ पर ऐसा कुछ बता रही है कि रिडल जो है वो मेडिकली क्लियर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर वो इस मैच से आउट हो चुके हैं, तो ये मैच यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंग्स ने भी अपना रिएक्शन दिखाया, जहाँ पर वो सारे जो फैंस ने टिकट परचेस किए थे उनसे यहाँ पर मतलब माफ़ी मांग रहे हैं कि यहाँ पर तो मुझे देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा, मैं तो इतने टाइम से मेहनत कर रहा था इस शो में आने के लिए। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंग्स का भी रिएक्शन निकल के आ चुका है। अब देखो ट्रिपल एच के पास जैसे कि हम बात करें कि पूरा कंट्रोल आ चुका है, कुछ टाइम पहले हमने ये न्यूज़ सुनी थी कि यहाँ पर WWE को इस बार का जो समर स्लैम का कार्ड है वो खुद भी पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि हम भी अगर बात करें, ज़्यादातर शो के ऊपर रीमैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर WWE को भी अंदर से कुछ कार्ड उतना दमदार सा लग नहीं रहा था, कोई मतलब ऐसा बड़ा मैच फील ही नहीं दे रहा था। और अब हम जबकि जानते हैं कि पूरा कंट्रोल यहाँ पर ट्रिपल एच के पास है, और कल ही हमने ऐसा कुछ सुना था रसल वोट्स की तरफ से कि यहाँ पर ट्रिपल एच यहाँ पर समर स्लैम के अंदर भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पर ये वही चेंज है? क्योंकि अगर देखो WWE को इस मैच को हटाना था तो उनको कोई वैलिड रीज़न यहाँ पर देना पड़ता, जो कि हमने देख लिया उन्होंने अटैक करवाया रिडल के ऊपर। और मुझे लगता नहीं कि WWE फालतू में यहाँ पर ऐसा कुछ अटैक वाला सीन दिखाती, और यहाँ पर वो इतना बड़ा रिस्क लेते कि यहाँ पर सच में रिडल को कोई इंजरी हुई है, रॉलिंस ने यहाँ पर उनके ऊपर अटैक किया। तो मुझे तो यहाँ पर ये सारी स्टोरी लाइन लग रही है, और लग रहा है कि भाई ट्रिपल एच का जो गेम है ना वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और उनको इस शो के ऊपर कोई बड़ा मैच चाहिए। अब देखो पहले से हम जानते हैं शो के ऊपर काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टार्स मिसिंग हैं, जैसे कि एज नहीं है, रैंडी ऑर्टन नहीं है, एजे स्टाइल्स भी नहीं है, मतलब बहुत सारे सुपरस्टार नहीं है, ड्रू मैकइंटायर नहीं है। तो WWE अब सेथ रॉलिंग्स को भी इस शो से तो आउट करेगी नहीं, तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, और रिपोर्ट्स भी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि सेथ रॉलिंग्स यहाँ पर फेस कर सकते हैं किसी मिस्ट्री अपोनेंट को। या फिर एक और जो चीज़ मुझे लग रही है वो ये है, वैसे इस चीज़ का कोई लॉजिक तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन हो भी सकता है कि WWE यहाँ पर रोमन और ब्रॉक के मैच में ऐड कर दे सेथ रॉलिंग्स को। अब क्या इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, लॉजिक होगा, वो यहाँ पर पता नहीं है। लेकिन इस वीक के जैसे कि रॉ में हमने देखा, यहाँ पर लास्ट में जब रोमन जा रहे थे तब यहाँ पर उनका फेस ऑफ होता है सेथ रॉलिंग्स के साथ में। और WWE यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमको दिखाती है टेलीविज़न के ऊपर वो फालतू में तो ऐसा दिखाती नहीं है, मतलब ऐसी तो वो दिखाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ उनको करना होता है, कुछ ना कुछ वो टीज करते हैं, इस वजह से वो दिखाते हैं। तो WWE ने अगर यहाँ पर रोमन और सेथ को एक बार फिर से दिखाया तो क्या पता कुछ ना कुछ ये इनके बीच में करना चाह रहे हो, एक मैच भी हो सकता है। मैं यहाँ पर ये कुछ कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो हमने देखा इस हफ्ते वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या हो सकता है यहाँ पर समर स्लैम के अंदर सेथ रॉलिंस का मैच। और रिपोर्ट्स यहाँ पर कुछ ये भी बता रही है, मतलब लोग यहाँ पर स्पेकुलेट टाइप का कर रहे हैं कि उनका मिस्ट्री अपोनेंट यहाँ पर जॉनी गार्गेनो भी हो सकते हैं, या फिर एजे स्टाइल्स भी हो सकते हैं। WWE ऐसा कुछ मैच भी यहाँ पर बुक कर सकती है, सेथ रॉलिंस का जॉनी गार्गेनो का कमबैक भी हो सकता है। तो चीज़ें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गई है, समर स्लैम को यहाँ पर एक हफ्ता भी नहीं बचा और यहाँ पर मज़ा आना स्टार्ट हो गया। मुझे तो देखो यही लग रहा है कि यहाँ पर सेथ रॉलिंस का कोई ना कोई मैच ज़रूर होगा। अभी तक हालांकि WWE ने ये अनाउंस नहीं करा है कि यहाँ पर इनका मैच कैंसिल हो गया है, तो WWE सेथ रॉलिंस के लिए किस अपोनेंट को तैयार कर रहे हैं, या फिर मतलब वो तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि रॉलिंस भी आउट हो चुके हैं समर स्लैम से। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि अब रॉलिंस किसको फेस करेंगे, उनकी साइड से तो रिडल तो गए तो उसके साथ रॉलिंस भी गए, बट मुझे लग रहा है सेथ रॉलिंस को तो वो बुक करेंगे समर स्लैम के अंदर। अब क्या रोमन और ब्रॉक के मैच में उनको डालेंगे, या फिर कोई मिस्ट्री मैच होगा सेथ रॉलिंस का फिर से कोई सरप्राइज सुपरस्टार के साथ में, किसी का डेब्यू या फिर रिटर्न, पता नहीं क्या मतलब हो सकता है समर स्लैम के अंदर। और ट्रिपल एच के पास जब पूरा कंट्रोल है तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि कुछ अच्छा यहाँ पर होगा। बाकी यार आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर रिडल और रॉलिंस का मैच कैंसिल हो चुका है, तो अब आप यहाँ पर सेथ रॉलिंस का मैच किस सुपरस्टार के साथ देखना चाहते हो, कोई मिस्ट्री अपोनेंट या फिर रोमन और ब्रॉक के मैच में उनको ऐड कर देना चाहिए? आपका क्या कहना है इसके बारे में, समर स्लैम के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।